मित्रों नमस्कार, मैं आर्य पेंटे आज पुनः आपके सामने चाइल्ड डेवलपमेंट अर्थात बाल विकास विषय के साथ उपस्थित हूँ। मित्रों आज की जो हमारी विषय वस्तु है वो है बाल विकास के अध्ययन में ध्यान रखे जाने वाली प्रमुख बातें और दूसरा बिंदु है बाल विकास का स्वरूप। मित्रों ये दोनों जो बिंदु है बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध इस अध्याय के अंतर्गत इस चैप्टर के अंतर्गत है। तो सबसे पहले मित्रों हम ध्यान दें कि बाल विकास के अध्ययन में ध्यान रखे जाने वाली कौन कौन सी बातें हैं। जब एक अभिभावक या एक शिक्षक बाल विकास का अध्ययन करता है तो उन्हें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देख लीजिए कौन कौन सी बातें हैं। ए नंबर, एक बालक के जन्म से पूर्व एवं जन्म के बाद अर्थात जन्म से पहले अर्थात गर्भावस्था काल में और जन्म लेने के पश्चात शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस तरह अवस्थाओं को पार करते हुए जब वह परिपक्व स्थिति में पहुंचता है तब तक जो उसके अंदर होने वाले परिवर्तन हैं तो उन परिवर्तनों की प्रकृति क्या है इस बारे में हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है या हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा बिंदु बी नंबर देखें, बालक में होने वाले परिवर्तनों का उसकी आयु के साथ क्या संबंध होता है एवं उसका स्वरूप क्या है। मित्रों जब बालक की आयु बढ़ती है तो आयु के साथ में उसके शारीरिक और व्यवहारगत कई तरह के परिवर्तन होते हैं। तो उन परिवर्तनों आयु के साथ जो होने वाले परिवर्तन है उनका क्या संबंध है अर्थात परिवर्तन का आयु से क्या संबंध है और उसका स्वरूप क्या होता है इस बात का हमें ध्यान रखना होता है जब हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं उस समय। तीसरी बात सी नंबर, बालक में होने वाले परिवर्तनों हेतु कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। मित्रों जिन भी कारणों से एक बालक में जो परिवर्तन होता है उन परिवर्तनों के कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बालक में परिवर्तन हुआ है। चौथी बात हम देखें डी नंबर, बालक में समय समय पर होने वाले परिवर्तन उसके व्यक्तित्व एवं व्यवहार को किस तरह से प्रभावित करते हैं अर्थात समयानुसार जब बालक की आयु बढ़ती है तो समय समय पर कई तरह के परिवर्तन होते हैं तो उन परिवर्तनों के कारण बालक के व्यक्तित्व में और उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है तो वो उस परिवर्तन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, क्या एक परिवर्तन जो होते हैं वो उसके व्यक्तित्व को और उसके व्यवहार को किस तरह से प्रभावित करते हैं इस बात का अध्ययन हमें बाल विकास के अंतर्गत करना होता है। ई नंबर देखें, क्या बालक के जीवन में घटित या हो चुके परिवर्तनों के आधार पर बालक के भविष्य में होने वाले परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है। आशा क्या है कि बालक के जीवन में जो घटनाएं घट गई हैं या जो परिवर्तन हो चुके हैं उनके आधार पर हम बालक के भविष्य में कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं या बालक किस प्रकार का हो सकता है क्या हम इस बात की भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्या हम बता सकते हैं कि यह बालक आगे चलकर क्या बनेगा या समाज के लिए कितना उपयोगी होगा, क्या हम इस बात की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस बात के अध्ययन पर हम बल देते हैं और ध्यान रखते हैं बाल विकास के अध्ययन में। आगे देखिए एक नंबर, क्या सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास संबंधी परिवर्तनों का स्वरूप एक समान होता है या व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार इसमें अंतर होता है। मित्रों जब भी हम बाल विकास का अध्ययन करें उस समय हमें यह बात ध्यान रखनी होती है कि बालकों में जो वृद्धि होती है और जो विकास चलते हैं, विकास विभिन्न विकास है, वृद्धि अर्थात शारीरिक वृद्धि और विकास भाषा विकास, सामाजिक विकास, मूल्यपरक विकास, विभिन्न तरह के विकास हैं, तो ये जो विकास हैं और वृद्धि जो है इससे संबंधित जो होने वाले परिवर्तनों का जो स्वरूप है क्या सभी बालकों में एक समान होता है अर्थात सभी जो बालक हैं एक ही तरह से वृद्धि करते हैं, एक ही तरह से विकास करते हैं, हमको क्या इस बात का ध्यान रखना होता है या फिर सभी बालकों में भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग वृद्धि या विकास होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो क्या व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार उसमें अंतर होता है इस बात का हम बाल विकास के अध्ययन में ध्यान रखते हैं। जी नंबर देखें, क्या बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताएं उसके अनुवांशिक या परिवेश जन्य परिस्थिति प्रेरित होती हैं। हमें बाल विकास के अध्ययन में यह ध्यान देना होता है कि बालक के अंदर जो भिन्नताएं हैं
परिवर्तन है, अलग 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 बालक अलग अलग तरीके से उसके अंदर विशेषताएं पाई जाती है, अलग अलग तरीके से विकास करता है। तो क्या ये जो भिन्नताएं हैं बालकों के अंदर जो पाई जाती हैं वो क्या परिवेश यानी जो वातावरण है उनका उसका प्रभाव पड़ता है या फिर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, इस बात का भी हमें अध्ययन करना होता है बाल विकास के अध्ययन के दौरान। अर्थात कहने का भाव ये है कि आनुवंशिकी और परिवेश का जो है जो बालकों में विकास होता है, तो समस्त बालकों के विकास में जो अंतर होता है क्या उसमें आनुवंशिकी और परिवेश का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इस बात का हम अध्ययन करते हैं। एच नंबर देखिए, बालक के गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होते रहती है, इस प्रगति का विभिन्न आयु एवं अवस्था के दौरान क्या स्वरूप होता है। मित्रों जब बालक गर्भ में आता है उस समय से बालक प्रगति की ओर अग्रसर होने लगता है, वो आप जब बालक गर्भ में आएगा जब उस समय वो कई अवस्था में प्रवेश करेगा, पिंडावस्था है, डिम्बावस्था है, इस प्रकार भ्रूण का निर्माण होगा। तो इस तरह से जो बालक जो गर्भ के दौरान वहां निरंतर प्रगति होती रहती है, इसके पश्चात जन्म होता है, जन्म के पश्चात मतलब बालक शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था जैसी अवस्थाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते रहता है। तो उस तरह उसकी आयु के साथ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसके दौरान उसका स्वरूप क्या होता है, किस तरह से ये प्रगति होती है, इस बात का हम अध्ययन बाल विकास के दौरान करते हैं। आई नंबर इसमें कि बालक की आदतें, रुचि, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव तथा उच्च व्यक्तित्व एवं व्यवहार आदि में जन्म के समय से ही सदैव परिवर्तन आते रहते हैं, उनका विभिन्न आयु वर्ग एवं अवस्था में भी में क्या स्वरूप होता है तथा उस परिवर्तन की प्रक्रिया की प्रकृति क्या होती है। मित्रों कहने का आशय है कि जो बालक की बालक के अंदर जो आदतें होती हैं, उसकी जो रुचियां होती हैं, उसका नजरिया अर्थात जो दृष्टिकोण होता है, उसके जीवन के आदर्श अर्थात जीवन जो मूल्य है, वो उस बालक का स्वभाव, उसका व्यक्तित्व, उच्च व्यक्तित्व और उसका व्यवहार, जो आदि बातें जो है जन्म के समय से ही उसमें परिवर्तन आते रहता है। और जब विभिन्न अवस्थाओं में पहुंचता है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो इन अवस्थाओं में जो है उसका स्वरूप भिन्न भिन्न होते रहता है, परिवर्तित होते रहता है। तो उस परिवर्तन की प्रक्रिया की प्रकृति क्या होती है, किस तरह से ये परिवर्तन होते हैं, इस बात का हम अध्ययन बाल विकास के दौरान हम ध्यान रखते हैं कि किस तरह से ये परिवर्तन होते हैं। तो मित्रों मैंने आपको बाल विकास के अध्ययन में ध्यान रखी जाने वाली प्रमुख प्रमुख बातों पर मैंने आपको आपका ध्यान लाया और मैंने इन बिंदुओं पर प्रकाश डाला। मित्रों अब हम आगे देखते हैं कि विकास का क्या स्वरूप होता है। मित्रों आइए देखें विकास का स्वरूप। तो सबसे पहला जो स्वरूप है विकास का वो है आकार में परिवर्तन। जब भी एक बालक विकास को प्राप्त करेगा अर्थात उन्नति करेगा, अग्रसर होगा विकास पथ पर, तो उसमें निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा, उसके शारीरिक आकार में परिवर्तन आएगा। देखिए बालक के शारीरिक विकास क्रम में आयु बढ़ने के साथ साथ शरीर के आकार एवं उसके भार में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। तो मित्रों जो विकास का स्वरूप है पहली बात यह है शरीर के आकार और भार में परिवर्तन होगा। दूसरा स्वरूप क्या है, आनुपातिक परिवर्तन। जितने भी बालक के अंदर परिवर्तन होते हैं शारीरिक जो परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, तो ये परिवर्तन आनुपातिक होते हैं। अर्थात यहां देख लें कि बालक के स्वरूप में परिवर्तन आनुपातिक होता है, मानव के शरीर में सभी अंग आनुपातिक रूप से परिपक्व होते हैं। अर्थात मित्रों कि बालक के शरीर में जितने अंग हैं, जैसे हमने लिए धड़, हाथ पैर, सिर, ये एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हाथ बहुत लंबा हो जाए और पैर छोटे छोटे रह जाए या सिर बड़ा हो जाए और धड़ छोटा हो जाए, ऐसा नहीं होता। जिस अनुपात में बालक का जो शरीर है वो वृद्धि करेगा, उसी अनुपात में जो बालक का सिर है या बालक के हाथ पर है वो वृद्धि करते हैं। अर्थात एक साथ अंगों में परिवर्तन परिपक्वता नहीं आती है, बल्कि एक निश्चित अनुपात में अंग विकसित होते रहते हैं। एक साथ किसी भी तरह की परिपक्वता नहीं आती, धीरे धीरे सभी अंग अनुपातिक रूप से परिपक्व होते रहते हैं। तीसरी बात जो हम विकास के स्वरूप के अंदर देखते हैं, पुराने स्वरूप में परिवर्तन। तो मित्रों बालक
जो जिस तरह से विकसित होता है, जब वह विकास की दौड़ में आगे बढ़ता है तो उसके जो स्वरूप है पुराना उसमें परिवर्तन हो जाता है। बालक में जब नई विशेषताएं जागृत होती है, नई नई विशेषताएं आती हैं, तो पुरानी जो विशेषताएं हैं या जो लक्षण है वो लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उदाहरण, दूध के दांत टूट जाते हैं। जैसे जैसे नई विशेषताएं आएंगी, नए लक्षण आएंगे बालक के अंदर, तो उसके अंदर नए परिवर्तन आ जाते हैं, पुरानी जो विशेषताएं होती वो लुप्त हो जाती है। जैसे कि दूध के दांत टूट करके गिर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उसकी जो अस्पष्ट ध्वनियां हैं, आवाज जो है वो बंद हो जाती है, गायब हो जाती है, उसका रेंगना बंद हो जाता है, उतलाना गायब हो जाता है। तो ऐसे जो गुण है वो समाप्त हो जाते हैं और नए गुण जो है बालक के अंदर आ जाते हैं। ये विकास का स्वरूप है। चौथा जो है नवीन गुणों की प्राप्ति। जब बालक विकास पथ पर आगे बढ़ता है तब बालक जो है उसमें नए नए गुणों का आविर्भाव होता है, जिनके दम पर वह अपने जीवन पथ में विभिन्न उपलब्धियों को प्राप्त करता है। मित्रों, जब बालक विकास को प्राप्त करता है उस समय उसके अंदर नवीन गुणों की प्राप्ति होती है और उन्हीं नवीन गुणों के आधार पर वह अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ता है और नई नई उपलब्धियों को प्राप्त करता है। तो मित्रों, मैंने आपको बताया कि विकास का स्वरूप क्या है। मित्रों, मैं आगामी वीडियो में आपको आप लोगों के समक्ष वृद्धि और विकास इन दोनों में अंतर क्या होता है इसमें मैं प्रकार डालूंगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर यह वीडियो आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मित्रों बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आगामी वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो। साथ ही इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें। मित्रों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।